एगो बहुत ही खूबसूरत फिल्म दोस्ताना के आज शुभ मुहूर्त भइल बा। आज से हमनी के दोस्ताना फिल्म के शूटिंग शुरू कइनी हा। ई फिल्म के प्रोड्यूसर बाड़न प्रदीप सिंह जी, जिनकर फिल्म हम अभी इकरा पहले हम कल रही विवाह, जौन की बहुत अच्छा हिट भइल, लोगन के बहुत ज़्यादा पसंद आइल, हमरा पूरा भोजपुरी दर्शकन के खूब अच्छा लागल। वो फिल्म पूरी तरह पारिवारिक फिल्म रहे, तो वैसे ही अब उससे भी बहुत बड़ा, उससे भी बहुत ऊपर अब फैमिली ड्रामा और उससे भी अच्छा इमोशन और फैमिली ड्रामा हम लोग लेकर आ रहे हैं इस फिल्म में। ये फिल्म का नाम है दोस्ताना, जौना में आपको दोस्ताना का एक अलग रूप, एक अलग दोस्ती का एक अलग रंग नज़र आएगा। दोस्ताना नाम सुनकर आप सबको लग रहा हो कि दोस्तों के बीच में होगा, लेकिन ये एक अलग रिश्ते के ऊपर है और ये आप सबको बेहद रोमांचित करेगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी कर देगा, बहुत ज़्यादा हंसाएगा भी, बहुत रुलाएगा भी, क्योंकि ये सिनेमा ही कुछ वैसा है। और इस फिल्म में जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे पराग पाटिल जी, जो जाने जाते हैं इंडस्ट्री में एक अलग सिनेमा, एक अलग फ्लेवर, एक अलग स्टाइल के लिए, तो जब वो आ मिले हैं मुझसे यानी कि द स्टाइलिश से, तो वो एक नया स्टाइल आने वाला है इस बार, एक अलग, एक और एक अच्छा स्टाइल सिनेमा का आने वाला है। हाँ, उन्हीं में से ये एक फिल्म है दोस्ताना, जो हमने मुहूर्त किया था उसी में से एक टाइटल का कुछ इशू हो गया था, तो इसीलिए उसमें से एक फिल्म हम दोस्ताना हमने उसका नाम बदल कर रख दिया और अब उसी फिल्म की शूटिंग शुरुआत कर दी, जिसमें मेरे साथ काजल राघवानी जी हैं, आप सबकी बहुत ही चाहती। और उसके अलावा इस फिल्म में बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में। और इसके अलावा एक फिल्म है जो पराग पाटिल जी के साथ कर रहा हूँ, जिया हो ललनवा। उसके बाद एक फिल्म है अग्निपथ, जिसका मुझे खुद भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि वो भोजपुरी की सबसे महंगी और सबसे भव्य फिल्म बनने जा रही है अग्निपथ। और उसके बाद हम लोग, चूँकि अभी इस फिल्म की शुरुआत हुई है, इस फिल्म का शुभ आरंभ हुआ है आज 9 दिसंबर, मेरे बर्थडे, मेरे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर, तो ये दुगना खुशी की बात है मेरे लिए, दुगनी खुशी की बात है। इसके साथ साथ एक और फिल्म की आज शूटिंग है, जिस फिल्म का नाम है माई बाबूजी के आशीर्वाद, जिसका आज से हम लोग शुभ मुहूर्त उसका भी आज से करने वाले हैं। चूँकि आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी रहा है हमेशा, क्योंकि इसी दिन पर हमने एक फिल्म थी मेरी जिसकी शुरुआत की थी, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी, तो हमने उसी विचारधारा को इस साल भी आगे बढ़ाया है और हमने आज ही के दिन दो फिल्मों का शूटिंग शुरू किया है। सबसे पहले तो वो फैंस नहीं, मेरे परिवार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सदस्य हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ सबसे। चूंकि शूटिंग में व्यस्तता होता है, बार बार काम के लिए बुलाते रहते हैं, इसलिए बहुत समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन दिल से प्यार करता हूँ, दिल से आभारी हूँ आप सभी का, मेरे पूरे भोजपुरिया समाज का, मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों का, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, और जो भी आज तक मैंने किया है हमेशा मुझे एक्सेप्ट किया है हर रूप में, चाहे वो एक्टर के रूप में हो, चाहे वो सिंगर के रूप में हो, तो हर रूप में मुझे एक्सेप्ट किया गया है। मेरा गाना साल का सबसे बड़ा हिट रहा, बल्कि साल का ही नहीं बल्कि सदी का सबसे बड़ा हिट रहा, पांडे जी का बेटा हूँ। और उसके बाद अभी फिर से कई सारे धमाके आ रहे हैं, अभी धोबी गीत गाया मैंने, वो धोबी गीत भी बहुत पसंद किया गया कि अब तो पीछा छोड़ दा हो गई नहीं बच्चे वाली, तो कई जो भी आ रहा है सब में लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, खूब प्यार दे रहे हैं, कई अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के यूट्यूब पर, तो ये इससे पता चलता है कि मेरा जो परिवार है, जो मेरा भोजपुरिया परिवार है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और यकीन माने कि हम आप सबसे, आपसे भी ज़्यादा प्यार करेंगे, और कोशिश रहेला कि हर बार कि हम भव्य, एगो खूबसूरत और एगो बेहतरीन सिनेमा आप सबके सामने लाएं, कि ताकि आप सबके देख के गर्व महसूस हो अपना भोजपुरी पर, अपना भाषा पर, अपना सिनेमा पर। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मेरे जन्मदिन पर मुझे इतनी सारी बधाइयाँ, इतने सारे आशीर्वाद, इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही हमेशा पूरे साल ता उम्र देते रहे यही प्यार, यही आशीर्वाद, आप सबके प्यार और आशीर्वाद का बहुत बहुत आभारी बानी। थैंक यू सो मच। Planet Bhojpuri.